माई टू फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल सब लोग कैसे हो उम्मीद करती करते सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक खुश खुशबाइ होंगे और आप लोगों की दुआओं अल्लाह के से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो अभी जो है ना मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ अच्छा मैं जब भी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं आजकल थोड़ा नोट कर रही हूँ अब आ खड़ी होती हूँ या स्का बनकर खड़ी होती हूँ मतलब स्का में खैर वैसी भी लेती हूँ लेकिन अबाय बन के खड़ी होती मुझे कहीं जाना होता है या कोई मुझे कामयाद आ रहा आ जाता है तो खैर अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा था तकरीबन एक बजे का टाइम था और फिर अमी का मुझे फोन आता है हम लोग खाना वाना खा के बैठे थे अम्मी का फोन आता है हमने कहा कि आज रात को ना हमारे डिनर कर लेना और भाभी तो ना, फला फला ना, तो तो ना तुम आ जाना तो खैर जो है ना फिर मैंने जल्दी जल्दी ना अपने कपड़े निकाल ये, ये, ये बैग में, में मेरे कपड़े हैं अच्छा मैंने कपड़े निकाले अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले वो ये अभी पूरा डब्बा मैंने ऐसे कर दिया उसको ना तो खैर उसके बाद जो है ना मैं जा रही हूँ अपनी मतलब हमारी अम्मी के साथ कहाँ शॉपिंग पे जा रही हूँ शॉपिंग पे जा रही हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने के लिए या कुछ अच्छा सा मिल जाए कि जो है ना वो आ, मतलब एक गिफ्ट के तौर पर ऐसा गिफ्ट जो है ना वो अच्छा लगेगा तो जो है ना मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ उसके बाद हम लोग रात में तैयार होके वहाँ पे दावत में जाएंगे दावत उड़ाएंगे मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा इसके बाद जो है उतनी कहाँ है मेरे हस्बैंड ला 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 ला। यार मैं चलो मैं जा रही आप उनको जा के दो कि मैं रेडी हूँ बस नकाब करूंगी फिर निकलूंगी चलो यार अभी हम लोग चलते हैं लेट हो रहा है वैसे भी अभी दोपहर का तीन बज गए हमको ठीक है और यहाँ पर जो है ना दिन के टाइम हम लोग निकल गए थे यहाँ पे हो रही थी दोपहर की शादी और मैं ये सोच रही थी देख के मतलब सुबह की शादी ये लोग कैसे अटेंड कर लेते हैं मतलब सुबह उठो तैयार हो शादी में जाओ सुबह नाश्ते में बिरयानी खाओ अच्छा यहाँ पर ना अब हम लोग आ गए हैं मार्ट में अब अच्छा या... और यहाँ पर मैं इस नियत से आई थी कि यहाँ पर जो है ना तकरीबन हमें ज़्यादा जो है ना मतलब घूमना फिरना नहीं पड़ेगा और बस हम जाएँगे यहाँ पर और कुछ ही डेकोरेशन कलेक्शन और चीज़ें लेंगे और वापस आ जाएंगे लेकिन ना भाई मैं बिल्कुल तो गलत सोच कर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था टाइम गए थे और तो हमें आते आते वही मजरूब का टाइम हो गया था क्योंकि वही आप लोगों को पता है कि लेडीज़ का जो है होता है ना एक ये इशू होता है कि जब भी वो इस तरह की मार्केट्स या इस तरह के मार्च्स में चले जाए ना तो वो इन सब चीज़ों को जो लेना होता है ना वो चीज़ें साइड में कर देती हैं और फिर वो देख रही होती हैं अपने घर की चीज़ें अरे भाई मेरा ये भी हो गया ये भी हो गया मतलब घर के लिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो मेरा कुछ इस तरीके का जो है ना सीन रहा इस बार मैं आपको लोगों को बताऊँ क्योंकि मैं शादी के बाद जो है ना अभी फर्स्ट टाइम कही हूँ ना तो मैं आ, लेने तक तो गिफ्ट गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या लूँ सबसे पहली बात तो ये फिर मैंने सोचा मैं डेकोरेशन पीस ले लेती हूँ इस तरीक़े की जो है ना रूम में आ, वो डेकोर करें और उनको अच्छा भी लगे और जब जब उसको कोई देखे या उनसे कोई पूछे कहाँ से लिया तो वो बोले अम्बर ने गिफ्ट दिया तो यहाँ पर ना मैंने सोचा थोड़े से एनिमल्स वगैरह लेकिन मैंने बोला नहीं यार नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं अच्छा फिर फिर जो है ना मैंने सोचा डेकोरेशन पीस देख लूँ लेकिन मैंने फिर ये भी सोचा कि जो है ना हुसैन और हसन जो है ना वो टिकने देंगे भाभी के रूम में कोई भी चीज़ तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरह की कोई भी नज़ाकत वाली या कोई भी डेकोर मतलब इस तरह का जो ना यहाँ पर इस तरह की मैंने कोई चीज़ जो देखी भी समझ में भी अच्छी भी लगी लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि ज़ाहिर बच्चों का साथ ही इस वजह से यहाँ पर जो है ना अम्मी ने अलग अपनी गिफ्ट लेना था और मैंने जो है ना मतलब जो गिफ्ट लेना था वो अलग लेना था अच्छा यहाँ पर जो है ना फिर मैं हम आ गए थे इस तरफ कि यहाँ पे कुछ देख लें और मैं वैसे तो भाभी के लिए और भाई के लिए ना गिफ्ट लेने के लिए आई थी लेकिन मैं उनको तो जो है ना वो इतनी सारी चीज़ें देख के तो मैं भूल ही गई कि मैं यहाँ पर गिफ्ट लेने आई हूँ यहाँ पर मैं अपने घर के डेकोरेशन की चीज़ें मतलब ना देखने बैठ गई कि यार मैं अपनी ड्राइंग रूम में, में ही चीज़ लगा लूँ या मैं अपने किचन में ही चीज़ लगा लूँ तो ये कैसे लगेगी और इस ऐसे करते करते ना तकरीबन तीन से चार घंटे हम लोगों को घूमते घूमते गुजर गए और हमें पता भी नहीं चला तो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा लाइफ का कि जो है ना मैं ऐसे घरदारी वाली चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि जब भी मैं अपनी अम्मी के साथ कभी आती थी और अम्मी इस तरह से चीज़ें देख रही होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा बेजार हो रही होती थी पीछे खड़ी हुई कि अम्मी इतनी सारी घर में डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई हैं और मज़ीद लेने की क्या ज़रूरत है और जो है न इनकी सफ़ाई अब कौन करेगा मैं अम्मी से ये बोलती थी लेकिन अभी जो है ना मैं अपने घर के लिए देख रही थी ढूंढ रही थी और मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मुझे चार से पाँच घंटे गुजर चुके हैं और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं अपने घर कैसे जो है ना अच्छे से डेकोर करूँ खैर मैंने मैन्यूवेज जो है ना मैंने सोचा यार ये बाद में देख लेंगे जो भी लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने दावत में जाना है वो भी रात के टाइम तो अभी जो है ना भाभी और भाई के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देख लूँ लेकिन नहीं आ रहा था समझ फिर जो है ना मैं यहाँ पर आई मैंने ना जय नमाज़ देख लूँ क्या देखूँ क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है भाई चीज़ें एक तो इतनी सारी हो जाती हैं ना कि इंसान का ज़्यादा चीज़ें देख के भी बहुत ज़्यादा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं कोई मग वगैरह देख लूँ जो होता है मिस्टर एंड मिसिस वाला किंग एंड क्वीन वाला इस तरह का टाइप का लेकिन मैंने बोला नहीं यार छोड़ो आ, जो है ना वो उसमें पानी और मतलब चाय वाय कौन पिएगा <laughs> बच्चे वाला गिफ्ट ना हो जाए फिर मैंने सोचा यार पानी की बॉटल देख लूँ लेकिन मुझे ये भी सही नहीं लगा मैंने बोला नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा फिर एनी जो है ना फिर मैं मतलब फिर मैं यहाँ पर चीज़ देखने आई थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ देख लूँ जो भाभी के और भाई के काम आ जाए लेकिन यहाँ पर जो है ना वो घर की क्रॉकरी वगैरह का इस तरह की चीज़ें मिल रही थी तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अपनी घर की सामान ले लिया था कि कुछ मुझे चाहिए था जो ज़रूरत था वो इसके बाद जो है ना मैंने भाभी के लिए भी गिफ्ट यहाँ से ले लिया था ये जो अंकल लेकर जा रहे हैं ना ये ले लिया था वो भाभी अपनी वीडियो में दिखाएंगी तो ज़रूर देखिएगा बहुत देर बाद और बहुत ही जो है ना मेहनत से इसको पसंद किया ये गिफ्ट लेना भाई मतलब टाइम बहुत एक शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने ये काम किया ना इसलिए जो है बस जल्दी जल जल जल्दी में मैं जितना कर सकी बस वो हुआ और उम्मीद करती हूँ कि भाभी को पसंद आए इसके बाद जो है ना हम लोगों ने घर का भी कुछ सामान लिया था और मैंने अपने घर का अलग लिया था और फिर अम्मी ने भी कुछ सामान लिया फिर ये हुआ कि हम लोग रक्षा करके उनमें सामान रख के फिर हम लोग घर आए तैयार हुए तैयार के बाद बस ये बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा भी वीडियो शूट करूँ तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ मतलब मैंने जहाँ पर बुलाया था ना मैं यहाँ पे बहुत चुकी हूँ सब लोग बैठे हुए थे और ये मैंने अपना वाइट ड्रेस पहना है मैं कैसी लग रही मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा तो जो है आ, सब लोग बैठे हुए हैं माशाला माशाला से बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिलकर बैठ कर बातें कर रहे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी <laughs> क्योंकि जो है ना समझ लें कि बहुत एक टफ लगता है मुझे ये शॉपिंग के मामला करना ना क्योंकि जब भी मैं कभी अम्मी के साथ कभी गई हूँ ना तो मैं पीछे पीछे होती थी बस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी लेकिन अभी जो है आ, बारी मेरी थी कि मैंने अपने ही घर के लिए चीज़ें दे देखनी थी यहाँ पर जो है मैं अपनी रिंग और अपने कुछ जो है कड़े वगैरह दिखा रही हूँ जो कि मेरी मदर लॉ ने दिए हैं हमारी अम्मी ने दिए हैं मुझे कड़े पहनने को दिए थे कि या या आप पहन लो ये आपके हैं तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहने और जो है ना मैं सबको भी दिखा देती थी देखो मुझे मिले हैं आज ये जो है ना अम्मी ने मुझे दिए हैं खैर तो सब लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं गेट टुगेदर हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था तो अम्मी का मुझे फ़ोन आता है अम्मी ने कहा कि जो है ना हम भाभी को सरप्राइज़ दे रहे हैं और ना तुम आ जाओ ये वो तो फिर जब मैं आई हूँ तो भाभी का वैसे सरप्राइज़ वो ज़्यादा देर ज़ाहिर टिका नहीं था क्योंकि अम्मी ने उनको बता दिया था कि भाई आज जो है ना तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो अम्मी पापा की तरफ से जो है ना यहाँ पर सारा अरेंजमेंट था और यहाँ पर जो है ना आप मैं बैठी हुई थी मैंने बोला अम्मी आइंदा जो है ना मुझे एक दिन पहले ज़रूर बता देना क्योंकि मैं इतने जल्दी जल्दी रेडी हुई हुई थे जल्दी जल्दी मैंने जो है ना तैयारी किया अम्मी ने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी जो ना तुम गिफ्ट लेने भागो यहाँ क्या है तुम्हें आ जाती बस तुम्हारा आना ही काफ़ी था मैंने बोला अरे नहीं ये सच्चा थोड़ी ना लगता गाल याद है बंदा मतलब मैं तो शादी से पहले भी जो है ना गिफ्टिंग वगैरह देने में सबसे आगे रहती थी और अभी भी यही सीन है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना गिफ्ट देना या अगर अम्मी पापा के साथ तो मेरा ऐसा सीन होता था कि मुझे बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी का वेट नहीं करना होता था जब मेरा दिल करता था या मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उनको गिफ्ट कर दिया करती थी एनी बस यहाँ पर जो है ना बस ये होता है कि अच्छी बस यही मौके होते हैं किसी को गिफ्ट दे दिया कोई खुश हो गया बस डेट सेट यहाँ पर जो है ना भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी का जो है ना यहाँ पे आ, केक रखा हुआ है यहाँ पे मैं अम्मी को अपने जो है ना गोल्ड के कड़े दिखा रही हूँ कि मेरी ना हमारी अम्मी ने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आज तुम जो है ना अच्छे से रेडी हुए हो तो ये पहन लो और वैसे भी जो है ना अभी आ, बस ये है कि आ, अभी जो है ना पहनने में आ जाएंगे तो इनको ना मतलब मैंने पहना था तो अम्मी को मैं दिखा रही थी अम्मी ने कहा माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा लग रहे हैं और बस इन, इनको बहुत संभाल कर रखना क्योंकि जो है ना ये मेरी अम्मी ने जो है ना हमारी अम्मी ने बड़े उससे दिए दिल से दिए अच्छा जी तो ये समझ लें कि जो है उन्होंने कहा अम्बर अब ये तुम्हारी अमानत इनको अपन अब वो अपने पास रखना अब तुम इनको पहनो या जो है अब तुमने इनको ख्याल रखना है तो यहाँ पर जो है न... तो यहाँ पर जो है ना मैं अम्मी को भी दिखा रही थी कि देखिए मुझे क्या मिला है मुझे हमारी अम्मी ने दिए हैं ये और उन्होंने जो है ना आज के मौके पर ये मुझे पहना दिए वैसे मैं चूड़ियाँ वगैरह इतना पहनती नहीं हूँ लेकिन उन्होंने जो है ना ये कड़े दिए मुझे तो मैंने ये पहनकर आ गई यहाँ पर ना अच्छा जी तो ये है कि मैं दावतों में जाती हूँ ज़्यादा रेडी होती हूँ ना तो उस दिन मैं जो है ना बैंगल्स वगैरह पहन लेती हूँ या जो है मैं ज्वेलरी थोड़ी सी ज़्यादा वेयर कर लेती हूँ लेकिन घर में मुझे ना फ्रीडम रहना अच्छा लग रहा होता है कि ऐसे कि जो है बेंगल्स वगैरह नहीं पहनूँ और जैसे ना हैवी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती घर में रहते हुए जब मैं कहीं बाहर दावत में जा रही होती हूँ ना तो फिर मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर रही होती हूँ बैगल्स पहन रही होती हूँ रिंग्स ही पहन रही होती हूँ नैल पेंट भी लगाती हूँ सारे शौक़ लेकिन जैसे ही घर आते हैं नैल पेंट भी रिमूव कर लेती हूँ बैगल्स वगैरह सब कुछ साइड में रख देती हूँ क्या नहीं ऐसे सही है अपना जो है ना तो यहाँ पर जो है ना सब लोग आ चुके हैं और बस ये है कि सलाम दुआ चल रही है सबसे माशाल्लाह से, से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो है ना मैंने दोनों अम्मियों को बुलाया अपने हस्बैंड को बुलाया मैंने कहा एक यादगार पिक्चर हम लोग एक बनवाते हैं वीडियो भी बन जाएगी यादगार रहती हैं ये सारी चीज़ें दूसरा ये कहना जब मैं यहाँ पर आई ना तो गेस्ट जो आए हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि हम भाई अपनी जो है तुमने नाद पड़ी थी तुमने वाला सूट पहना है क्या मैंने कहा नहीं मैंने वो वाला सूट नहीं पहना हुआ मैंने अपना दुपट्टा और अपना हिजाब जो है ना उस तरीके से वेयर किया हुआ है और तो फिर क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल जाहिर है कि मेरा न्यू ड्रेस है बिल्कुल लेकिन उनको मेरे जो है ना दुपट्टे और स्कार्फ से ऐसा लगा कि जो है ना मैंने वाला ड्रेस है कि वाँ वाँ वाँ। है एनीवेज जो है ना फिर इसके बाद खाना लग चुका है अब खाने के अंदर जो है ना काफ़ी सारे प्लेटर्स थे बारबिक्यू और बिरयानी कढ़ाई रोस्ट और इस तरह की जो है ना सब तमाम चीज़ें थी खाना लग चुका था क्योंकि थोड़ा सा जो है ना लेट भी हो गए थे क्योंकि सब लोगों का वेट करना था सब लोग आ जाएं फिर खाएंगे खाना तो माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटर जो है ना इतना यमी था बस क्या ही बताया जाए इसके अंदर टिक्का मलाई बोटी और तमाम तरीके के जो है ना वो बस बाढ़ भी क्यों थी उसके बाद जो है ना यहाँ पे बार वो आ गया है अपना कढ़ाई गोश्त आ गया इतने मज़े का था ये भी बस क्या ही बताया जाए जितना ही शक्ल में देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ही खाने में भी मज़े का था यहाँ पर जो है ना प्लेटर सबके आगे लगा हुआ था और जो है आ, बस माशा सब खाना शुरू हो चुका हम लोग जो है ना सब लोग खाना खाएँगे और बस ये है हम लोगों ने बहुत मज़ा किया बहुत ज़्यादा इंजॉय किया माशा माशा ला हस्तिन की हसत से बचाए पाक इनके जो है ना बस कपल को हमेशा खुश हो अब आद रखे अल्लाम उम्मीन ऐसे वेडिंग एनिवर्सरीज़ मनाते रहे ऐसे खुशियों के मौके आते रहे मेरी भी ये बहुत दिल से दुआ है दूसरा ये कि आप लोग भी दुआओं में याद रखा करें हमें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक भी कर लेना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मज़ीद पिक्चर्स वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड कर देंगे बच्चे ही करते हैं कौन पागल नहीं है

हमारा पटागा पूछ निकला नहीं वो ये लो भाभी भाभी बैपी मैरिज एनिवर्सरी खुश रहो हमेशा सलामत रहो बनाओ ना

बाद जो है ना हमने तकरीबन हमें खाना खाते ही खाते जो है ना एक से डेढ़ घंटा लगा क्योंकि हम लोगों ने खाने को बड़ा एंजॉय करके खाया पहली बात तो दूसरा बड़ी बातें करते हुए बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा किया माशाल्लाह माशाल्लाह से इसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं अपना आ, केक कट हुआ फिर गिफ्ट वगैरह दिए और फिर उसके बाद जो है ना बस हम लोगों ने थोड़ा सा अल्लाग गुल्ला किया देन उसके बाद हम लोग अब बस अपने अपने घर जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया यहाँ पे वेटर अंकल जो है ना भाभी का शूट कर रहे हैं अच्छा जी हम बस जो है मैं भी अपने घर की तरफ जाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने ना बस ये कि जाते जाते भी ना बातें नहीं रुक रही होती हैं तो यहाँ पे मैं बात कर रही करी कि यार मेरी जो बर्थडे ना वो रह गई बड़ा मज़ा आता अगर वो सेलिब्रेट हो जाती है अगर तो हम भी गिफ्ट्स बटोर के जा रहे होते हैं एनी वेज अभी अब जो है ना आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और

तो यहाँ पर जो है ना जाते जाते भी सबका अल्लाह और बातें ख़त्म नहीं होकर दे रही थी और फिर सब लोग जो है ना बाहर खड़े होकर भी पाँच से दस मिनट रुक कर सब लोग साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे और जो है ना प्लानिंग्स चल रही थी कुछ खैर वो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी तो खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और जब तक ये दफ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त चैनल को सब्सक्राइब करना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफि खुद बाय बाय